नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर मंडल आप सभी को स्वागत करता हूँ सुपर विंग SKM में। दोस्तों तो दोस्तों आज आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ मैं दीपावली की। हैप्पी दिवाली आप सभी को, जितने भी हमारा मेंबर है, जितने भी हमारा वीडियो देख रहे हैं आप सबको। तो दोस्तों आज का जो दिन है बहुत अच्छा दिन है। आज सब अपने अपने घर में जो दीप जलाएंगे, फटाके फोड़ेंगे, तो आज बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों मैं भी छुट्टी पे हूँ। मैं सोचा काम पे जाऊँगा पर मैं भी नहीं गया आज काम पे। मैं भी अपना घर घूर का सफाई सफाई करूँगा। फिलहाल मैं आया था अभी दुकान पे, अंकल जी के पास दुकान पे आया था। मैं यहीं बैठ गया हूँ अभी। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, फिर वहाँ जो है घर की सफाई सफाई करेंगे, उसके बाद लड़ी लुड़ी लाएंगे हम बाजार से, आपको सब कुछ दिखाएंगे मैं आपको। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा तब तक, और मैं आपको दिखाऊंगा। मैं लड़ी लाने जाऊंगा अभी, घर का सफाई करूंगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना घर की सफाई करो और लड़ी वगैरह लगाओ। आज बहुत खुशी का दिन है। दोस्तों हम लोग दीपावली किस लिए मनाते हैं तो मैं आप सबको बता देता हूँ। आज 14 साल श्री राम जी ने अयोध्या आया था वनवास काट कर, इसलिए हम लोग आज का ही दिन आया था श्री राम जी ने, इसलिए खुशी की आज दिन है। हम लोग जो है दीपावली मनाते हैं। आज का ही दिन श्री राम जी ने आया था अयोध्या वापसी 14 साल काट कर, इसलिए हम लोग दीपावली मनाते, खुशी मनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, मैं और भी बताऊंगा मैं। आप लोग देख सकते हैं यही है, अखबार में भी आया आज का श्री राम जी की जय श्री राम लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप, जो कि इसीलिए हम लोग जो है घर की सफाई और लड़ी वगैरह लगाते हैं। और मनाना चाहिए सभी को, और आज का दिन जो है दीप, मिट्टी का दीप जलना चाहिए, क्योंकि सबसे शुभ माना जाता है उसको। आजकल तो जमाने कुछ मोमबत्तियाँ का हो गया है, तो मोमबत्ती का जमाने तो है, पर आज मिट्टी का दीप जो है जलाना चाहिए आज घरों में। तो आजकल तो मैं देखता हूँ ज़्यादा मोमबत्ती ही जलाते हैं, तो मैं कह देता हूँ दोस्तों आज के दिन मिट्टी का ही दीप जलाना चाहिए, और आप लोग भी जलाइए, और हम आप सबको भी दिखाऊंगा। मैं भी मिट्टी का दीप ही जलाऊंगा मैं आज, और हमें तो बम पटाखे से डर लगता है, मैं बम पटाखे तो नहीं जलाऊंगा पर दीप जरूर जलाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है पटाखे से। मैं शुरू से ही मैं पटाखे अभी तक नहीं फोड़ा मैं कभी। आप लोग कमेंट में करके मुझे बताना जो आपको पटाखे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, या फुलझड़ियाँ अच्छा लगते हैं आप सभी को, कमेंट में बताना जरूर मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको दिखाऊंगा मैं, अभी बाज़ार जाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर इतना टाइम नहीं होते किसी के पास जो हमारा वीडियो देखेंगे, इसलिए छोटा छोटा वीडियो हम बनाते हैं। और बाज़ार जाएंगे हम, फिर आपको मैं दिखाऊंगा
लाइव तस्वीर बाजार का कितना भीड़ लगा हुआ है। कल तो धनतेरस का दिन था, पर बाजार में जा नहीं पाया, काम पे था, इसलिए बाजार गया भी तो मेरा बाइक ख़राब हो गया था। बाइक सही करवाने में रात हो गया मुझे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाजार में बाइक ही मेरा ख़राब हो गया था, पुराना हो गया है, मैं सोचता हूँ अब नया लेने की। अब देखता हूँ, आप लोग अगर प्यार सपोर्ट करेंगे तो मैं नया भी ले लूँगा बाइक, नहीं तो पुराना ही चलने दो। आपको तो मैं दिखाया था अपना बाइक, मैं अभी भी दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं बाइक बिल्कुल पुराना हो गया, 2000 की जो बाइक है ना, 2003 मॉडल है, जो कि अभी तक में टाइम इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, 3-4 साल हो गया टाइम ख़त्म हुआ हुआ, कागज़ भी ख़त्म हो गया इसका, फिर भी मैं चला रहा हूँ इसको। तो मैं अब सोचता हूँ इसको कुछ पैसा होगा तो मैं एक बाइक ले लूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं नया बाइक ले लूँगा, नहीं तो एक पुराना ही लेना पड़ेगा फिर। और एक बात और खुशी की बात है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, अगर आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच हुआ था, अगर इसमें अगर हिंदुस्तान अगर नहीं जीतता तो हम लोग को बहुत दुख होता। और शुरू में तो जिस हिसाब से चल रहा था, हम लोग सोचे कि क्या पता होगा कि नहीं होगा, फिर भी जीत गया, खुशी का माहौल बन गया, नहीं तो आज हम लोग का दीपावली भी नहीं मनता अच्छा से। आज हमारा भारत जीतने के बाद जो है बहुत ज़्यादा खुशी से आज दीपावली मनाएंगे। कहता है बाप तो बाप होता है, तो यही बाप बन गया दोस्तों। आप लोग तो समझ ही रहे हो, आप जिनको पता नहीं होगा मैं उन लोग के लिए बता दिया हूँ।